कपिल शर्मा के साथ हुए ऑटोमोबाइल धोखाधड़ी मामले में आया एक नया मोड। कार डिजाइनर दिलीप छाबरिया के बाद अब ये शख्स हुआ गिरफ्तार। आखिर क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। कपिल शर्मा ने कार डिजाइनर दिलीप छाबरिया के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। दिलीप अभी धोखाधड़ी और जालसाजी के मामले में गिरफ्तार किया हुआ है और अब उनकी बहन कंचन को धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार कर लिया है। कंचन दिलीप छाबरिया डिजाइन प्राइवेट लिमिटेड की सीईओ है। कंचन को बुधवार को एक रेस्टोरेंट से गिरफ्तार किया गया। पुलिस काफी समय से उनकी तलाश में थी और बुधवार को उन्होंने कंचन को गिरफ्तार कर ही लिया। हम आपको बता दें कि कपिल के पहले क्रिकेटर दिनेश कार्तिक ने भी दिलीप के खिलाफ 2015 में मामला दर्ज कराया था। दिलीप पर 5 लाख रुपए लेकर सही काम न करने का आरोप था। दिनेश ने टेस्ट ड्राइव करके कार को वापस कर दिया था और केस दर्ज कराया था। सो व्यूवर्स, क्या कहना है आपका इस न्यूज पर? पोस्ट करिए अपने कमेंट्स। ऑल्सो डू लाइक सब्सक्राइब एंड फॉलो टू टेली मसाला ऑन फेसबुक यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम।